नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन के CBT 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप 110 क्वेश्चन, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं, जहां पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूं। और अभी मैंने वहां पे रेलवे RPF स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक कवर किए हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं ड्राइंग के टॉप 110 क्वेश्चन के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, पैमाने का निरूपक भिन्न निम्न में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, पैमाने का जो निरूपक भिन्न है वो सूत्र है आपका सी, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप और बट्टा वस्तु की वास्तविक माप, इनसे ये सूत्र है वो ज्ञात किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। तो दोस्तों, टी स्क्वायर बना होता है सागवन का। किसका होता है? सागवन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब RF, RF का मतलब है दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग लंबाई बटा वास्तविक लंबाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके ड्राइंग लंबाई बटा वास्तविक, 20 सेंटीमीटर बटा 1000 को भी अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000, यहाँ पे दो और जीरो लग जाएंगे, 1 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा काटने के बाद 1/5000। ओके, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें दोस्तों आपके RF की, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है वो फुल साइज स्केल के लिए RF बराबर 1 होता है, फुल साइज स्केल के लिए। ओके, यानी जो रेशियो होता है 1:1 का मिलेगा आपको, और जो रिड्यूसिंग स्केल है उसके लिए RF लेस देन 1 होता है, और एनलार्ज स्केल के लिए RF ग्रेटर देन 1 होता है, इसका ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का जो भाग होता है जहाँ पर टी स्क्वायर के हैंड का संयोजन किया जाता है वो है आपके एबनी। तो इस प्रकार की जो आपके ये होती है ना टी स्क्वायर होता है जहाँ पे ये है हैंड का संयोजन किया जाता है, उसे एबनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आकार पैमाने का RF होता है। तो मैंने आपको बताया है पूर्ण आकार के लिए RF बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1:1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कोण को मापने के लिए किसका उपयोग है वो किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोट्रैक्टर, यानी चांदा का उपयोग किया जाता है किसी भी एंगल को डिग्री में मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने हेतु कौन से पैमाने प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, घड़ी के जो पुर्जे होते हैं उनकी ड्राइंग बनाने के लिए जो पैमाना होता है प्रयुक्त है वो है आपके लघुकरण पैमाना, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। तो कौन सा कोण है जो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिए गए सभी कोण है वो मिनी ड्राफ्टर बना सकता है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना क्या कहलाता है। तो ड्राइंग साइज जो साइज है वो वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है तब पैमाना कहलाता आपका हो जाएगा पूर्ण आकार पैमाना कहलाता है। और ये सभी क्वेश्चन है आपको PDF सहित मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, दिए गए चित्र में कौन एक्स का, यहाँ पे जो एक्स है इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं दो चित्र हैं, और ये आपके चित्र हैं किसके हैं, ये हैं आपके सेट स्क्वायर के चित्र हैं। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे एंगल देख सकते हो। तो ये वाला जो चित्र है इसमें सेट स्क्वायर है 45 45 डिग्री वाले जो एंगल है, तो इसका मतलब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री। तो 90 और 30 कितने हो गए, 120 डिग्री। आपको पता है ये ऋजु रेखा है, इस पर बना हुआ कोण कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। 120 तो हो गए, पीछे कितना रहा, 180 में से आपको 120 माइनस करना है, पीछे रह जाएगा आपके 60 डिग्री, एक्स बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इस चित्र में एक्स का मान 60 डिग्री, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। BIS के द्वारा मुख्यतः आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने हैं। तो मुख्यतः जो आकार के आधार पर जो BIS पर
पैमाने हैं वो हैं आपके तीन पैमाने हैं, ऑप्शन बी है करेक्ट है यहाँ पे। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के कारण, गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है सेट स्क्वायर की भुजा, इससे सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोण के अंदर अंतर आ जाएगा। जब भुजा टेढ़ी हो जाएगी तो कोण भी कम ज़्यादा हो सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है लघुकरण पैमाना, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा उपकरण विमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विमा को मापने के लिए यहाँ पे उपयोग होता है स्केल का, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना क्या कहलाएगा? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो RF है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, वो यदि आपके ग्रेटर देन 1 होता है तो एन लार्ज स्केल हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, विस्तारक पैमाना हो जाएगा, 30:1 है, ये आपके 1 से ज़्यादा है, 1 से कम के केस में आपका स्केल हो जाएगा रिड्यूसिंग स्केल, यानी लघुकरण पैमाना। नेक्स्ट है, कंपास के किस लैंग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? तो दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समंजनीय, कौन सा लैंग है? समंजनीय में आपके लीड लगाने की व्यवस्था होती है। किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है, तो किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने के लिए उपयुक्त सभी ये आपके दिए गए ऑप्शन, इनका ज्ञात होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है? तो इन सभी का कार्य है जो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा किया जा सकता है, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांद और स्केल का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:x किस प्रकार के पैमाने का उदाहरण है? तो दोस्तों 1:x है ये आपके लघुकरण पैमाने का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है आपके। 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों आपके 10 हेक्टोमीटर हो जाएंगे, 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर या फिर 1000 मीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, BIS द्वारा डायमेंशन को किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, BIS द्वारा जो डायमेंशन है उसको प्रदर्शित किया जाता है मिलीमीटर में, जो विमा है उसको। लघुकरण पैमाने का निरूपक अंश होता है, तो लघुकरण पैमाने के जो निरूपक अंश होता है वो आपका 1 है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है? ऑप्शन डी शीट का आकार है, उसको आप ब्लॉक में नहीं लिख सकते हो। बड़ी मशीनों का ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है? तो दोस्तों बड़ी मशीनों का ड्राइंग है वो लघुकरण पैमाने के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि पूर्ण आकार आप कैसे बना सकते हो उसके उबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं? तो छोटी कंपास के द्वारा यहाँ पे पूछा गया है कितने व्यास के सर्किल और आर्क है वो चाप खींचे जा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक के यहाँ पे आप वृत्त या फिर चाप है वो ड्रॉ कर सकते हो। निम्न में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? छोटी वस्तु को बड़ा करने के लिए जो पैमाना है वो आपके हो जाएगा एनलार्ज, यहाँ पे विस्तारक पैमाना है वो करेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य होता है, तो ड्राइंग बोर्ड पर जो बैटन लगाने का उद्देश्य है वो है दोस्तों ऑप्शन डी पट्टियों को सपोर्ट करना, इसके लिए बैटन है वो लगाया जाता है ड्राइंग बोर्ड में। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान है वो फिल करनी है। कौन से ड्राइंग शीट का माप है 594 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 541 मिलीमीटर होता है? ये है आपके ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा A1, जो A1 ड्राइंग शीट है उसका माप होता है 594 से मल्टीप्लाई 541 मिलीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ड्राइंग शीट का यहाँ पे साइज दिया हुआ है, A0 से लेकर A5 तक, सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है और पूछे भी गई है बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये A0 का है, A1 का, A2, A3, A4 और A5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदा प्रोटेक्टर किस आकार का होता है? इजी क्वेश्चन है, अर्धवृत्ताकार आकार का होता है प्रोटेक्टर। D0 जो ड्राइंग बोर्ड की माप है, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप आपको पूछी गई है, तो D0 की माप है दोस्तों 1500 × 1000 × 25 मिलीमीटर, 1500 × 1000 × 25 मिलीमीटर है D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप।
निम्न में से कौन सा कोण सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर एंगल है 15 डिग्री का, 15 डिग्री का कोण है, आप सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते हो डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जा सकता है? तो टाइटल ब्लॉक है वो ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो नीचे की ओर दाई तरफ। कहाँ पर? नीचे की ओर दाई तरफ बनाया जाता है, इस प्रकार नीचे की ओर, राइट हैंड साइड में। डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? जो टी स्क्वायर है उसका ब्लेड है ये, इसकी लंबाई आपको, सॉरी टी स्क्वायर ये है आपका, ये ब्लेड हो जाएगा ये वाला, इस ब्लेड की आपको लंबाई पूछी है। तो टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई होती है ड्राइंग बोर्ड के बराबर। किसके बराबर होती है दोस्तों? ड्राइंग बोर्ड के बराबर होती है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई। नेक्स्ट है, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो बड़ी कंपास का उपयोग किया जाता है दोस्तों बी, जिसकी त्रिज्या 50 मिलीमीटर से अधिक हो, उसके सर्किल ड्रॉ करने के लिए बड़ी कंपास का उपयोग है वो किया जाता है। ये जो कंपास होती है ना, ये एक निडल होता है और वहाँ से अपन सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, जिसकी त्रिज्या 50 मिलीमीटर से अधिक हो। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए। निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है? एबनी, एबनी का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है, बाकी ब्लेड होता है, हेड होता है और कार्यकारी एज होता है, ये तीनों होते हैं टी स्क्वायर में। यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर दिया गया है 45 डिग्री वाला, दोनों ही 45 45 डिग्री के हैं, कि लंबाई कितनी होती है, कि सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में एच का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिल में जो एच होता है, एच बी पेंसिल होती है, या फिर आप बहुत बार देखा होगा आपने, तो एच का मतलब होता है हार्डनेस, बी आपका यहाँ पे ब्लैक है, हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस, और बी का मतलब ब्लैकनेस। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? तो ड्राइंग बोर्ड पर जो बायां सिरा होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, उस पर लगे काले रंग की पट्टी को बोला जाता है ऑप्शन ए, एबनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबनी। टी स्क्वायर पर, टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखता है? तो टी का यहाँ पे देख ही सकते हो, टी है नी, टी के आकार का दिखेगा। अगला है, 4H 5H से 9H की, यहाँ पे 6H 7S 8H और 9H इनकी पेंसिल होती है। तो ये पेंसिल होती है दोस्तों कठोर पेंसिल होती है, कौन सी होती है? कठोर पेंसिल होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9H वाली पेंसिल होती है, वो सबसे कठोर होती है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपकी, ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप होता है? ISI के अनुसार जो A3 ड्राइंग शीट है, इससे पहले मैंने आपको बताया था ड्राइंग शीट के विभिन्न माप है, तो आपका A3 का होता है 290, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 297 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 420 मिलीमीटर। और दोस्तों ये है ना जो 594 8 41, ये आपके हो जाएगा A1 का माप होता है, और 841 1189 ये आपका A0 का आई थिंक, और 210 और 297 तो ये आपका हो जाएगा A4 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेट स्क्वायर की मदद से कोण बनाई गई है तब आपको P का मान ज्ञात करना। ये आपके सामने दो सेट स्क्वायर है और यहाँ पर आपको P की वैल्यू है वो ज्ञात करनी। दोस्तों ये आप देख सकते हो कौन सा सेट स्क्वायर है, ये है 45 वाला, दोनों एंगल बराबर है, तो 45 45 है, और ये 90 का है, और ये जो सेट स्क्वायर है इसमें ये 30 का है, ये आपके 90 का है, और ये आपके हो जाएगा 60 का। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हो 45 और 30 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 75 हो जाएंगे। तो 180 में से आपको 75 माइनस करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा, पीछे जो रहेगा वो है आपके ऑप्शन ए, और 105 डिग्री, पी की वैल्यू हो जाएगी 105 डिग्री। निम्न में से सबसे नरम पेंसिल कौन सी है? तो मैंने आपको इससे पहले बताया था ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जहाँ पे मैंने आपको सबसे हार्ड बताया था, तो सबसे कठोर है आपकी 9H वाली, और सबसे नरम पेंसिल है 7B वाली, कौन सी? 7B वाली यहाँ पे सबसे नरम पेंसिल है। और आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। यहाँ पे D0 वाली ये जो साइज है, D0 से लेकर D3 तक दिया हुआ है, और उसके आगे जो सेकेंड आपकी लिस्ट है इसमें इसकी साइज दी गई है, आपको सही मैचिंग करवानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था D0 का ये होगा 1500 × 1000 × 25 है, और D1 का यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 × 700 × 25 है, और D2 का
ये हो जाएगा डी टू का 700 गुणा 500 गुणा 15, और डी थ्री का ये हो जाएगा आपके 500 गुणा 350 गुणा 15। तो यहाँ पे आपका ए टू बी फोर और सी वन, ए टू बी फोर सी वन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए टू बी फोर सी वन, ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से कौन सा उपकरण का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है? सर्किल बनाने के लिए जो आप उपयोग करते हैं वो आपका कंपास होता है, ये वाला कंपास होता है। ड्राइंग शीट ए जीरो से ए फोर तक बढ़ते क्रम में होता है, तो ये नहीं है दोस्तों, क्रम घटता है उसमें, तो गलत है ये आपका फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट यहाँ पे आप दिया हुआ है, ये कौन सा साइज होता है? ड्राइंग शीट के बाद, तो ड्राइंग इस शीट के बाद आपका जो साइज होता है, ये दोस्तों आपके साइज है 594 वाली, ये ए वन की साइज है। उसके बाद ए टू का होता है ना, वो होता है 420 गुणा 594, तो 420 594 ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। निम्न में से ड्राइंग बोर्ड डी टू का आकार, तो मैंने बताया ऊपर आपको डी टू का आकार हो जाएगा आपके 700 गुणा 500 गुणा 15 मिलीमीटर है। नीचे दिए गए चित्र में 30-60 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है, इसमें कौन जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है? ये जेड है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। रिज्जु रेखा जो सीधी रेखा, इस पर 180 का कोण बनता है, जिसमें से एक कोण आपको दिया हुआ 30 डिग्री का, ये कोण आपको 30 डिग्री का दिया, आप पीछे कितना रह जाएगा यहाँ पे 180 में से 30 आपके लेस होगा, तो 150 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींच सकती है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये तीनों को ड्रॉ कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मिनी ड्रॉप्टर, ऑप्शन ये है वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट है, मिनी ड्रॉप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं अपन? टी स्क्वायर से 36 रेखाएं को खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनी ड्रॉप्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है? तो मिनी ड्रॉप्टर के स्केल का कोण होता है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ड्रॉप्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिनी ड्रॉप्टर तीन प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। टाइटल ब्लॉक का माप कितने मिलीमीटर गुणा कितना मिलीमीटर होता है? तो टाइटल ब्लॉक का माप होता है 65 × 185 मिलीमीटर का, यहाँ पे माप हो जाएगा टाइटल ब्लॉक का। चित्र में प्रदर्शित भाग P का नाम क्या है दोस्तों? ये आपके सामने आ गए हैं, टी स्क्वायर है जहाँ पे ये कोण आपका 90 डिग्री होता है। आपको पूछा है इस P का क्या नाम हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है इसका नाम होता है दोस्तों ब्लेड, क्या होता है? ब्लेड होता है इसका नाम। और ये जो है ये आपका हो जाएगा स्टॉक या फिर इसको हेड बोला जाता है, हेड या फिर स्टॉक बोला जाता है। और ये आपका है ये वाला जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं वर्किंग एज बोला जाता है, ये है आपके टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग शीट पर 36 लाइन खींचने के लिए, टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये ब्लेड होता है, ये वाला ब्लेड, इसकी लंबाई की बात करें तो वो होती है 460 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 1200 मिलीमीटर, ये होती है इसकी, नहीं सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, ये पैमाना दे रखा है 460 से 1200 मिलीमीटर तक इसकी ये हो सकती है ब्लेड की लंबाई। और इसे सागुन की लकड़ी से बनाया जाता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो पी वाला आपके करेक्ट हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल जितना कठोर होता है उसकी लिखावट उतनी ही हल्की हो जाएगी। जितना कठोर होगा, जैसे कि 9H सबसे कठोर होता है, तो उसकी लिखावट उतनी ही हल्की होगी, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो सेट स्क्वायर के तीनों कोण होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 180 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने के काम नहीं आता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवाइडर, कौन सा उपकरण है वो? डिवाइडर हो जाएगा। मिनी ड्रॉप्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है? तो मिनी ड्रॉप्टर है ये आपके कंपास का कार्य नहीं कर सकता है मिनी ड्रॉप्टर। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? तो ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ, सबसे कठोर है दोस्तों 9H। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल होती है वो मध्यम पेंसिल होती है, न तो कठोर होती है और न ही नरम होती है। प्रोट्रैक्टर जो चांदा होता है उसका प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो प्रोट्रैक्टर का प्रयोग होता है दोस्तों डिग्री में एंगल को मापने में किया जाता है। पेंसिल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पेंसिल यहाँ पे आपके तीन भागों में बांटी गई है।
नीचे दिए गए उपकरण आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम आपको पूछा गया है, तो जो भी ड्राइंग के उपकरण है इसका नाम जरूर याद करके जाना। ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ये आपका प्रोट्रैक्टर है, चांदा जिसे बोल सकते हो। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, तो पेंसिल की लीड होती है दोस्तों ग्रेफाइट की। किससे होती है, ग्रेफाइट की होती है। टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर, इनसे जी आपकी वक्र रेखा है इसको आप नहीं ड्रॉ कर सकते, बाकी ये तीनों आप ड्रॉ कर सकते हो। एक ड्राइंग यंत्र सेट में आमतौर पर किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं, तो ड्राइंग यंत्र सेट में स्केल को छोड़कर आमतौर पर सभी उपकरण होते हैं। निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक का भाग नहीं है, तो सीट का साइज है ये आपके टाइटल ब्लॉक का भाग नहीं है, इससे पहले भी आ चुका है। बी प्रकार के अक्षरों में 14 मिलीमीटर वाली एक अक्षर की रेखा की मोटाई है वो होती है, तो बी प्रकार के अक्षरों में जो 14 मिलीमीटर वाले अक्षर हैं उसकी मोटाई, अक्षर की रेखा की जो मोटाई है वो आपकी 1 मिलीमीटर होती है। आयामों की व्यवस्था की विधि में शामिल होता है, तो आयाम की व्यवस्था है उसकी विधि में शामिल होता है। समानांतर, निरंतर और संयुक्त, ये आपके शामिल होते हैं, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। रूलर और कंपास की सहायता से किस कोण का निर्माण संभव नहीं है, रूलर और कंपास की सहायता से ऑप्शन बी है 40 डिग्री एंगल का निर्माण संभव नहीं है। पतली चयन रेखा का प्रयोग किस किस में किया जाता है, तो पतली जो चयन रेखा है उसका प्रयोग किया जाता है उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेंटर रेखा, सममिति रेखा और ट्रेजेक्ट्री, इन सभी के निर्माण के लिए पतली चयन रेखा का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पतली लगातार रेखा का प्रयोग किया जा सकता है, पतली लगातार, ओके यहाँ पे था पतली चयन रेखा और पतली लगातार रेखा जो है उसका प्रयोग यहाँ पे उपरोक्त सभी इसमें भी करेक्ट है आपके। अगला है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त पेंसिल को किस आधार पर ग्रेडों में विभक्त किया गया है, तो हार्डनेस और कालेपन की तीव्रता, ये दोनों ही आपके आधार रहेंगे। पेंसिल को जो ग्रेडों में विभक्त किया गया है 1H, 2H वगैरह, ए और बी दोनों हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल प्रदर्शन क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग, क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं उसका ग्राफिकल प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है, तो ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना आसंजक बल, इसके द्वारा संभव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु का फ्रंट व्यू जब इसका आधार क्षैतिज समतल पर हो क्या दिखाई देगा, तो शंकु का फ्रंट व्यू जब उसका जो आधार है वो क्षैतिज समतल पर हो तब उसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा एज ए वृत्त, सर्किल के समान दिखाई देगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नीचे दिए गए चित्र में ए से मार्क की गई रेखा क्या कहलाती है, तो जो ए से ये मार्क की गई रेखा है ये आपको पूछा गया है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों लीडर रेखा, क्या बोलते हैं, लीडर रेखा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं, तो किसे छोड़कर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज है यहाँ पे दोस्तों, क्षैतिज नहीं क्षैतिज रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS की संस्तुति के अनुसार अक्षरों का झुकाव होगा, तो BIS की संस्तुति के अनुसार जो अक्षरों का झुकाव होगा वो होगा आपके 75 डिग्री होगा, कितना होता है 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमीट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमीट्रिक अक्षरों के बीच कोण कितने डिग्री का होता है, तो इसमें 120 डिग्री का कोण होता है अक्षरों के बीच में, ऑप्शन सी करेक्ट है। हैचिंग लाइन सामान्यतः कितने डिग्री कोण पर झुकी होती है, तो हैचिंग लाइन है ये आपके 45 डिग्री एंगल पर झुकी रहती है। आमतौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिक्चरात्मक पिक्चरात्मक प्रोजेक्शन का प्रकार होता है, आर्किटेक्ट के द्वारा जो पिक्चरात्मक प्रोजेक्शन उपयोग होता है उसका प्रोजेक्शन किस प्रकार का होता है, तो ये होता है दोस्तों परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य आपका करेक्ट है। सेंटर रेखा को किस रूप में खींचा जाता है, तो सेंटर रेखा को खींचा जाता है, ऑप्शन आपके ये हो जाएगा, सेंटर रेखा को लंबे डैश डॉट संकीर्ण रेखा के रूप में खींचा जाता है, सेंटर रेखा को, ऑप्शन सी है वो करेक्ट है यहाँ पे आपके। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन कोण संकेत के लिए संस्तुति किए जाने वाले प्रतीक एक के फ्रस्टम के दो दृश्यों को दिखाता है, तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान के क्या आएगा वो बताना है, तो इसके आपका आंसर हो जाएगा वर्ग पिरामिड, तो यानी प्रोजेक्शन कोण संकेत के लिए संस्तुति किए जाने वाले प्रतीक एक वर्ग पिरामिड के फ्रस्टम के दो दृश्यों को दिखाता है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य एक डिवाइडर के द्वारा सर्व नहीं किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसफर मापना। ऑप्शन बी ये आपका नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे जो आपको रेखा दिखाई गई है ये किस प्रकार की रेखा है? तो ये रेखा हो जाएगी आपके हिडेन रेखा। कौन सी हिडेन रेखा है? ये आपके ये वाली रेखा, हिडेन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाएगी? तो फ्री हैंड रेखा है, फ्री हैंड रेखा वाला जो चित्र होता है उसके लिए जो ड्राइंग शीट है वो प्रयोग की जाएगी A4। A4 साइज आपके करेक्ट हो जाएगा। एक शीर्ष ब्लॉक में किसको छोड़कर सभी सूचनाएं होते हैं? तो यहाँ पे शीर्ष ब्लॉक का पूछा है, तो किसको छोड़कर सभी सूचनाएं होते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टूशों, पार्टूशों की सूची को छोड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममितीय दृश्यों में प्रोजेक्शन कन्वर्जिंग होते हैं। तो सममितीय दृश्यों में जो प्रोजेक्शन कन्वर्जिंग होते हैं इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल प्रोजेक्शन के लंबवत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम आपको बताना है। ये आपको प्रतीक दिख रहा है, इसका नाम आपको पूछा गया है, तो इसका नाम है दोस्तों रिवेट। क्या है? रिवेट है इसका नाम। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन समतल के कहाँ होता है? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन समतल के कहाँ होता है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर की स्थिति पूछी गई है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लंबवत होता है। कहाँ होता है? लंबवत। ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं कितने डिग्री कोण पर होती हैं? तो दोनों भुजाएं 90 डिग्री के एंगल पर होती है। समानांतर रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी सहायता से खींची जा सकती है? तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पे समानांतर रेखा है वो आपके इन सभी की सहायता से ड्रॉ की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। तीन दृश्यों से दिखने वाले एक वस्तु के प्रोजेक्शन को जाना जाता है। तो तीन दृश्यों से दिखने वाले एक वस्तु के प्रोजेक्शन को, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑर्थोग्राफी हो जाएगा। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट है, हार्ड ब्लैक। ऑप्शन सी, HB। किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाती है जो हमेशा दिशा बदलती है, क्या कहलाती है? उस रेखा को आपका टाइप पूछा, तो ये रेखा कहलाती है वक्र रेखा। वक्र रेखा होती है जो किसी बिंदु से खींची जाती है और हमेशा दिशा है वो चेंज करती रहती है। किसी ऑब्जेक्ट की सतह उसके वास्तविक आकार में दिखाई देगी यदि वह प्रोजेक्शन समतल से कहाँ स्थित है? तो वास्तविक आकार में जब ऑब्जेक्ट की सतह दिखाई देगी इसका मतलब वो प्रोजेक्शन है आपके समतल से समानांतर स्थिति पर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए, तो ड्राइंग शीट का जो अक्षर है ये आपका होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर में होना चाहिए, ड्राइंग एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर में होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक कपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किए जाते हैं? यहाँ पे कपास नहीं, कंपास का। तो कौन से कंपास का उपयोग है छोटे आकार के वृत्त खींचने में किया जाता है? ड्रॉप। कौन सा है? ड्रॉप कंपास। नेक्स्ट है, सेक्शनल व्यू किसको प्रदर्शित करते हैं? तो सेक्शनल व्यू है ये आपके आंतरिक विवरण को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें 36 समतल HP पर स्थित हेक्सागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा? तो हेक्सागोनल प्रिज्म का 36 समतल पर जो टॉप व्यू है वो आपके दिखाई देगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, रेगुलर हेक्सागोनल। ओके, अगला क्वेश्चन है, सममितीय अनुपात या सममितीय गुणांक जो आइसोमेट्रिक फैक्टर होता है उसका मान कितना होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.816। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आइसोमेट्रिक जो स्केल है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पिरामिड की त्रिभुजाकार सतहों का मिलान बिंदु क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रिज्म जो पिरामिड है उसकी त्रिभुजाकार सतहों का मिलान बिंदु है वो वर्टेक्स और अपेक्स दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो सही है। किसी ऑब्जेक्ट के उचित एवं पूर्ण प्रदर्शन के लिए व्यू की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जटिलता पर। किस पर है? जटिलता पर डिपेंड करती है। निम्नलिखित में से कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्यों के जोड़े दोनों ऊंचाई आयाम को दिखाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं तरफ और अग्र। यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, बाएं तरफ और अग्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ओके,
एक्स वाई रेखा पर एक दिए गए बिंदु से एक लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताइए जहाँ कंपास के निडल को पहले रखा जाना चाहिए। तो वह बिंदु दोस्तों हो जाएगा आपके पी एक्स और पी वाई के मध्य बिंदु के निकट एक बिंदु। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच कर्व है? आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। फ्रेंच कर्व की ड्राइंग सही कौन सा चित्र है जो फ्रेंच कर्व का है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।